सैफ्रॉन यानी कि केसर। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से केसर इतना ज्यादा महंगा है? बाजार में इसकी कीमत करीबन 3 लाख रुपीस पर केजी है। केसर जितना महंगा है उतना ही गुणकारी भी है। स्वास्थ्य को मिलने वाले केसर के फायदे तो आप जरूर जानते होंगे। दूध में केसर डालकर पीना काफी अच्छा होता है, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि केसर सौंदर्य निखारने में सहयोगी है। इसलिए सुंदर एवं गोरे बच्चे को पाने के लिए गर्भवती महिलाएं अपने आहार में केसर को शामिल करने की कोशिश करती है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कंट्री के अमीर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में केसर यूज करते हैं। दुनिया भर के प्रोडक्शन में से 85% केसर की खेती ईरान में होती है। और भी कई सारे कंट्रीज हैं जहां केसर की खेती होती है, जैसे कि भारत, अफगानिस्तान, अमेरिका और स्पेन। लेकिन इन जगहों पर केसर की बहुत कम खेती होती है। सोने चांदी के भाव पर मिलने वाला केसर इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। दरअसल अधिकांश लोग जो केसर इस्तेमाल करते हैं वह असली एवं शुद्ध भी नहीं होता है, क्योंकि शुद्ध केसर की कीमत तो आसमान को छूती है। कभी कभी तो आपके दिमाग में भी आता होगा कि ऐसी क्या बात है इस केसर में जो यह इतना महंगा है। खाद्य पदार्थ तो और भी कई सारे हैं जो हमें काफी सारे फायदे देती है, लेकिन केसर के इतना महंगा होने की क्या वजह हो सकती है? तो चलिए आज हम इस प्रश्न का उत्तर आपको दे ही देते हैं कि आखिर केसर इतना महंगा क्यों है। एक्चुअली ये बहुत महंगा है क्योंकि केसर की हार्वेस्टिंग यानी कि इसकी कटाई बहुत मुश्किल होती है और इसके लिए कोई मशीन यूज नहीं कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। इन्हें पहले बहुत संभाल के फ्लावर्स में से निकालना पड़ता है और फिर इन्हें सुखाना पड़ता है और फिर जाके ये मार्केट में जाने के लायक बनते हैं। केसर एक खास फ्लावर से निकलता है जिसे क्रोकस फ्लावर कहते हैं। केसर क्रोकस बहुत कम समय के लिए ही खिलता है और जब ये फ्लावर खिलता है उसी दिन उसकी कटाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लगभग तुरंत मुरझा जाता है। और तो और प्रत्येक फूल में केवल 3 नाजुक केसर के धागे होते हैं, इसलिए यह 1 किलो सूखे केसर पैदा करने के लिए 50,000 फूलों से भी ज्यादा फूल लगते हैं। और इस बात को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि इसमें बहुत सारा मैन पावर भी लगता है, क्योंकि केसर के धागे बहुत डेलिकेट होते हैं और हर एक धागे को अपने हाथों से निकालना पड़ता है, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। केसर को उगाने का सबसे बेस्ट पीरियड होता है सितंबर और दिसंबर के बीच का, और सबसे बेस्ट समय इसको निकालने का होता है मॉर्निंग का समय, क्योंकि दिन भर की हवा और सूरज की किरणें इसे खराब कर सकती है। केसर की खेती की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसे ज़्यादा गर्मी भी प्रॉब्लम देती है और ज़्यादा ठंडी भी, ज़्यादा पानी भी प्रॉब्लम देता है और कम पानी भी, और तो और हवा की नमी के वजह से भी ये खराब हो जाता है। ये सब पॉइंट्स केसर के किसानों के लिए ये एक रिस्की टास्क बना देता है और यही मेन रीज़न है कि केसर इतना महंगा बिकता है। ओके गाइस, आई होप आपको अब पता चल गया होगा कि केसर इतना महंगा क्यों बिकता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।